नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज कोच पर। साथियों, जब हम कोई ना कोई बिजनेस शुरू करते हैं तब हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं फंड के लिए, क्योंकि हमें लोग मार्केट में जानते हैं और हमारा व्यवहार उनके साथ होता है, कुछ लोग हमसे मिलते रहते हैं, इसलिए फंड अरेंज करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई महिला कोई काम शुरू करना चाहती है तो उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? उसे फंड अरेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसी कारण से बहुत सी महिलाएं जो अपना काम करना चाहती हैं, जैसे बुटीक, चूड़ी की दुकान, सिलाई कढ़ाई इत्यादि, नहीं कर पाती। इन सब कामों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, पर फंड अरेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर बैंक की बात करें तो साथियों, बैंक की ब्याज दर भी बहुत महंगी होती है और उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अरेंजमेंट करने में बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, महिलाओं की इसी दिक्कत को देखते हुए हमारी हरियाणा सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें ऐसे महिलाओं के लिए जो अपना कामकाज शुरू करना चाहती हैं, बहुत आसान किस्तों पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। आसान किस्तों के साथ साथ इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है, जिससे उन्हें लोन लेने में कोई परेशानी नहीं आती। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, कैसे इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या इसका प्रोसेस है। साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो साथियों, बात करते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति और वित्त विकास विभाग के द्वारा यह योजना चलाई जाएगी। साथियों, यह योजना उन महिलाओं के लिए बहुत लाभप्रद होगी जिनकी नौकरी कोरोना काल में छूट गई है और वह कुछ ना कुछ काम करना चाहती हैं। इस योजना के बारे में मैं आपको डिटेल में और चीजें बता देता हूँ। जैसे इस योजना में अधिकतम 60,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा और इसकी ब्याज दर होगी जो 4% या इससे कम होगी। इस योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले आपको sarlhariyana.gov.in पर जाना होगा। यहां पर आपको होम पेज पर ऐसे अपना लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका लॉगिन आईडी है तो इसमें लॉगिन कर दीजिए, और अगर नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपके सामने ऐसा फॉर्म खुलेगा, इसमें ये सारे डिटेल भरने के बाद आप अपने आप को वैलिडेट करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना होगा। अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर महिला समृद्धि योजना को ओपन करना होगा। इसमें ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपकी सारी जानकारी आपको भरनी होगी, आप क्या काम करना चाहते हैं, क्या क्या डिटेल आपकी है, और ये सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन क्लिक करना होगा। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और मैसेज के द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगी। इसकी कुछ नियम और शर्तें भी हैं, वो मैं आपको बता दूं। कोई भी महिला इसमें जो अप्लाई करना चाहती है वो हरियाणा का स्थायी निवासी होनी चाहिए। साथियों, इसके साथ साथ उनकी उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए और वार्षिक आय जो परिवार की है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो BPL कार्ड धारक हैं उनको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लोन पर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने पर ही सरकार ये लोन देगी, जैसे ब्यूटी पार्लर, बुटीक, दूध उत्पादन, चूड़ी और आपकी स्क्रीन पर दिखाए हुए कुछ काम ऐसे जिनको करने के लिए सरकार इस लोन को अप्रूव करेगी। सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सबको बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा मिल सके। अगर आपको इस योजना के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।